बीजेपी का मिशन 25 है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी होंगे शामिल। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, विभागों के प्रदेश संयोजक, अभियानों के प्रदेश संयोजक, विस्तारक योजना की प्रदेश टीम मौजूद रहेगी। और कल एक बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली रोड स्थित होटल में, जब मिशन 25 को लेकर के लंबी मंत्रणा चली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उपस्थित रहे थे। इसके अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी बैठक में पहुंचे थे, क्योंकि अब लगातार बीजेपी मंथन चल रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी कल बता रहे थे कि अब ये बैठकें रेगुलर होने लगेगी। कम चुनाव में वक्त बचा है, 2-3 माह का वक्त शेष है, और बीजेपी चाहती है कि इस बार भी 25 की 25 सीटें हासिल करे। 2014 में 25 हाथ लगी थी और 19 में 24 हाथ लगी थी, एक आरएलपी के पास गई थी, लेकिन गठबंधन तब था आरएलपी के साथ बीजेपी का। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, जानकारी दीजिएगा, मिशन 25 को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, कल भी बैठक हुई थी और अब कार्य समिति की बैठक होनी है, क्या कुछ चर्चा रहेगी, कौन कौन शामिल होगा? देखिए आशिका, पूरी जो बैठक है, इस बैठक का मकसद है कि कैसे लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रमुख नेता हैं, नीचे के वर्कर हैं, उनको सक्रिय करना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद होने वाले तमाम कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी बूथ तक जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनको लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे राजस्थान में चल रही है, लाभार्थियों से संवाद हो रहा है और बूथ तक बैठा हुआ जो लाभार्थी है उस तक मोदी मंत्र पहुंचना चाहिए, ये मकसद रहेगा। और भजनलाल सरकार की जो योजनाएं हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने खुद को जनसेवक के तौर पर प्रस्तुत किया है, तो किस तरह से जनता के बीच में उनकी सरकार जा रही है, काम कर रही है, और किस तरह से नए सरकार के नए मंत्री अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सभी को टास्क दिए गए हैं, सभी जन सुनवाई करेंगे, अपने घर पर करेंगे और दौरे जहां करेंगे अपने प्रभार क्षेत्रों में वहां जन सुनवाई करेंगे। और एक कहा जा सकता है वृहद योजना, पूरा एक रोड मैप लोकसभा चुनाव तक बनाया जाएगा कि कैसे 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में फिर से आए। आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक है और पूरे प्रदेश भर से तकरीबन 400 नेता रहेंगे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहेंगे, विधायक, सांसद, पार्टी के सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा, प्रभारी अरुण सिंह पहुंच ही चुके थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम प्रकाश माथुर भी जयपुर में मौजूद है, तो वो भी प्रदेश कार्य समिति में आएंगे। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में रहनी है। कल शिका आपको ध्यान ही है कि एक बड़ी बैठक होटल राजस्थली में हुई थी और उसमें आगे तक की रोड मैप बना था, किस तरह से हर लोकसभा क्षेत्र में, खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी कमजोर है, तो कैसे वहां पर मजबूत किया जाए पार्टी को। 85 ऐसी सीटें विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी है, उन सीटों की समीक्षा और उन पर आगे कैसे काम किया जाना है। लोकसभा चुनाव में एबीसी कैटेगरी बीजेपी ने बनाई है लोकसभा सीटों को लेकर, और जो सी कैटेगरी की सीटें हैं उन पर क्या कमियां हैं, क्या खामियां, उनको देखना। कल की जो बैठक थी उसमें इन्हीं बातों पर फोकस किया था कि कहां हम मजबूत हैं और कहां हम कमजोर हैं, कहां सबसे ज्यादा कमजोर है और कहां सबसे ज्यादा मजबूत है, इन सब का वर्गीकरण किया गया और उसके आधार पर हर सीट का एक अलग रोड मैप बनाया गया। और विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एक विस्तृत समीक्षा कल मैराथन बैठक में हुई थी। और अब आगे की जो बैठकें हैं और आगे के जो कार्यक्रम है, उसके तहत प्रत्येक लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर्स लगाए जाएंगे, उन प्रभारियों को जो मंत्री होंगे उनको दो दो लोकसभा सीट दी जाएगी और वहां पर जाकर जमीनी पड़ताल करेंगे। संगठन को सक्रिय किया जाएगा,
प्रदेश कार्य समिति का मकसद है कि सत्ता और संगठन एक आजम पर रहे और यहाँ पर भी मंत्रियों के दौरे हों, वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यालय पर पहुंचे, स्थानीय जिलाध्यक्ष उनके साथ हो, स्थानीय पार्टी के नेता के साथ उनकी बैठकें हो, स्थानीय ब्यूरोक्रेसी के साथ उनकी बैठकें हो और तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम किया जाए। और जो संकल्प पत्र है 20% वादे, कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने 7 दिन में 1 महीने के अंदर पूरे किए, तो आगामी दिनों के अंदर माना जाना चाहिए कि जैसा कि अनुमान बीजेपी के थिंक टैंक का है कि 40% संकल्प पत्र के वादों को लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले कमोबेश पूरा कर लिया जाएगा। तो एक पूरी आगे की विस्तृत रणनीति नरेंद्र मोदी का फेज आगे रहकर पार्टी अपना काम करेगी, तो वहीं पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद होने वाले तमाम कार्यक्रमों को बीजेपी की चुनावी रणनीति के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा। घर घर तक मोदी मंत्र और राम नाम की गूंज सुनाई दे, इसकी पूरी एक विस्तृत योजना बनेगी। जी बिल्कुल योगेश जी, यानी कि मिशन 25 को लेकर खाका तैयार होने से लेकर उसको धरातल पर उतारने तक तमाम प्लानिंग इन बैठकों में होनी है। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए योगेश जी और जानकारी देने के लिए।